हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप किस तरह फोटोशॉप में क्रिएटिव रिस्ट्रिक्ट इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह इस तरह की इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं यहां से एक इमेज को पकड़ूंगा और यहां पे लाके इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। यहां से मैं पॉलीगन टूल को पकड़ूंगा और यहां से मैं इसको 3 के ऊपर सिलेक्ट कर लूंगा। आपके पास यहां पे 5 होगा, आपने यहां से इसको 3 के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां से मैं एक रेक्टेंगुलर को क्रिएट कर लूंगा। कंट्रोल प्लस टी करके मैं इसको नीचे लाकर एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लूंगा। यहां से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहां से मैं इरेज़र टूल को पकड़ लेता हूँ। यहां से मैं इसको रिमूव करूंगा। कंट्रोल और इक्वल वाले बटन को मैं दबाऊंगा, ये तस्वीर जो है वो बड़ी हो जाएगी। ये ब्लैक वाले को मैं ऊपर लाऊंगा, उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। आप देखेंगे कि इस तरह लग रहा है जैसे ये इसके पीछे जो है वो सिलेक्ट हुआ। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा, मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे ये लड़के के पीछे है। यहां से मैं न्यू लेयर को सिलेक्ट करूंगा इधर तक, इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बैकस्पेस करूंगा और मैं यहां से राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग के ऑप्शन में चले जाऊंगा। यहां से मैं स्ट्रोक को पकड़ूंगा, स्ट्रोक की कैपेसिटी को 5 करूंगा। कलर मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहां से मैं ओके कर दूंगा। यहां से मैं इसकी कैपेसिटी को, फिल को फुल कम कर दूंगा। ये आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी इमेज जो है क्रिएट हो गई है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि डेली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें।